बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है 9.4 रेडिएशन। अब रेडिएशन जो है वो आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, तो रेडिएशंस मीन क्या है? रेडिएशन जो है ये भी मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है। हमने दो मोड को पहले डिस्कस कर चुके हैं, कंडक्शन और कन्वेक्शन को। कंडक्शन में हमने देखा था कि कंडक्शन जो है वो सॉलिड्स के लिए एप्लीकेबल होता है, जबकि कन्वेक्शन की बात की थी तो वो फ्लूड और फ्लूड के लिए है, यानी कि गैसेस के लिए और लिक्विड के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम थर्ड मोड को डिस्कस करेंगे, रेडिएशन जो कि इसका थर्ड मोड है। अब यहाँ पे हमारे पास ना तो एयर है, ना ही हमारे पास गैस हो, ना लिक्विड हो, ना ही एयर हो। ठीक है, तो फिर हम किस तरह से वहाँ से एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं? इसकी मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको, जैसे कि सन है और अर्थ है। ठीक है, अब आप देखते हैं कि सन और अर्थ के दरमियान में स्पेस है, वैक्यूम है। ठीक है, तो वहाँ पे तो एयर नहीं है, वहाँ पे कोई गैस मौजूद नहीं है, तो वहाँ से फिर हमारे पास एनर्जी किस तरह से आ रही है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक और मोड है जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। रेडिएशन जो है इससे हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किस तरह से, उस जगह पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उस जगह से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि अगर दरमियान में वैक्यूम आ जाता है तो वहाँ पे कोई गैस, वहाँ पे कोई एयर नहीं होती, यहाँ पे वह स्पेस होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे एयर नहीं है, वहाँ पे लिक्विड नहीं है, तो वहाँ से फिर हम किस तरह से इसको वो करेंगे? तो वहाँ पे हमारे पास एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र तो होती है, लेकिन किस फॉर्म में होती है? रेडिएशन की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की वेव्स आती हैं। एक हमारे पास वो वेव्स होती हैं जिनकी इंफ्रारेड होती हैं, और एक होती हैं अल्ट्रावायलेट वेव्स। ठीक है, तो एक वेव्स यानी कि इसमें आप देखते हैं कि ये वाली वेव्स आपको एक नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसमें ये चीज़ है। अब इसमें ये वाली जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलेंगे इसको? क्रस्ट बोलते हैं। और ये जो नीचे वाली इसकी चीज़ है इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, अब एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है, ये यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो वेव है इसकी वेवलेंथ क्या है? ज़्यादा है, यानी कि क्रस्ट से क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, मतलब वेवलेंथ ज़्यादा है। उसके बाद आप सेकेंड वेव देखते हैं तो इसकी वेवलेंथ क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वेव। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं कि क्रस्ट से क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है, और आप इस तरह से नीचे जाते जाते हैं तो क्या होती जाती है? वेव और कम होती जाती हैं। ठीक है, वेवलेंथ और यहाँ पे आप जब एंड वाली में देखेंगे तो उसकी वेवलेंथ क्या है? बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। ठीक है, ये शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं, शॉर्ट वेवलेंथ की वेव्स होती हैं। ये ग्लास या पॉलीथीन शीट में से, या इस तरह से जो है वो हमारी ओजोन लेयर से हम कह सकते हैं कि ये पास कर जाती हैं। ठीक है, और ये हमारी अर्थ पे भी पहुंच जाती हैं, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? शॉर्ट होती है, तो इजीली उसमें से पास कर जाती हैं। अब जैसे इसकी अगर हम डेफिनेशन देखते हैं रेडिएशन की, तो रेडिएशन इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। रेडिएशन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, लेकिन किस तरह से, किस फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। वेव्स की भी आगे टू टाइप्स आ जाती हैं, एक मैकेनिकल वेव्स होती हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स होती हैं। यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे, और मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो आप जाकर टेंथ में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स दोनों की जो डिफ्रेंशिएट है, दोनों की जो डिटेल है वो आप लोग टेंथ में जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही काफ़ी है, मैं आपको बता देती हूँ। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों होती हैं? क्योंकि ये स्पेस में से पास कर जाती हैं, ये वैक्यूम में से पास कर जाती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये कौन सी वेव्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि आवर सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। हमारा सन जो है वो मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं इसमें चैप्टर में, पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में। बट हाउ डज़ दिस हीट एनर्जी रीच द अर्थ? लेकिन वो कह रहे हैं कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी तो है, लेकिन ये हीट एनर्जी जो है वो किस तरह से अर्थ पे पहुंच रही है? तो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि इट, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको उसमें एग्जाम में, इट रीच अस नाइदर बाय कंडक्शन नॉर बाय कन्वेक्शन। ना तो ये कंडक्शन से पहुंच रही है, ना ही कन्वेक्शन से पहुंच रही है, क्योंकि ना तो ये सॉलिड है इसमें, और ना ही क्या है, गैस या फिर लिक्विड है। बिकॉज द स्पेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ एटमोसफेयर इज़ एम्प्टी। क्योंकि अगर हम ऐसा क्यों नहीं, ऐसा इसके वजह से या कंडक्शन या कन्वेक्शन से हमारे पास क्यों नहीं पहुंच रही है हीट? तो इसलिए नहीं पहुंच रही क्योंकि अर्थ और सन के दरमियान में क्या है, खाली स्पेस है, एटमोसफेयर है जो कि एम्प्टी है,
तो इसलिए ये दोनों मेथड यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकते। देयर इज़ अ थर्ड मोड कॉल्ड रेडिएशन बाय विच हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहाँ पे एक और मोड आ जाता है जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन, जिसकी वजह से हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। इट इज़ थ्रू रेडिएशन दैट हीट रीच अस फ्रॉम द सन। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे तक सन से जो हीट पहुँचती है, जो लाइट पहुँचती है, वो किस वजह से पहुँचती है, वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स हैं, ठीक है, रेडिएशन की फॉर्म में वो हमारे पास पहुँच जाती है। तो ये क्वेश्चन आता है, इसको आपने आंसर इस तरह से ही करना है। उसके बाद ये डेफिनेशन आ जाती है, उसके बाद है कि हाउ डज़ दिस हीट रीच अस डायरेक्टली फ्रॉम अ फायर प्लेस, यानी ये हीट जो है वो डायरेक्टली फायर प्लेस तक कैसे पहुँच सकती है। तो फायर प्लेस सच एज यूज फॉर रूम हीटिंग। अब फायर प्लेस जो है इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, रूम हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ही डज नॉट रीच अस बाय कंडक्शन थ्रू एयर फ्रॉम अ फायर प्लेस बिकॉज एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर हम हीटर रखते हैं रूम में, जो हीटर जो है वो रूम को गर्म रखने के लिए यूज़ करते हैं सर्दियों में स्पेशली, तो वहाँ पर हमारे पास हीट जो है वो किस तरह से पहुँचती है, वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स पहुँचती है। क्यों, वहाँ पर ना तो कंडक्शन का प्रोसेस यूज़ होता है ना ही कन्वेक्शन का प्रोसेस यूज़ होता है, क्योंकि कंडक्शन की अगर हम बात करें वो तो सॉलिड्स में है, ठीक है, और सॉलिड्स कॉन्टैक्ट में होंगे, तो फिर उसके बाद जो है वो कन्वेक्शन की अगर बात करते हैं तो कन्वेक्शन में हवा जो है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, जबकि हमारे तक जो हीट है वो कैसे पहुँचती है, वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स पहुँचती है, ठीक है। तो हीट डज़ नॉट रीच अस बाय द बाय कन्वेक्शन बिकॉज द एयर गेटिंग हीट फ्रॉम द फायर प्लेस डज़ नॉट मूव इन ऑल डायरेक्शंस, क्योंकि कन्वेक्शन की वजह से एयर जो है वो ऑल डायरेक्शंस में मूव नहीं करती। हॉट एयर मूव्स अपवर्ड फ्रॉम द फायर प्लेस, जो हॉट एयर है वो उस हीटर से ऊपर की तरफ उठती है। हॉट एयर फ्रॉम द फायर प्लेस रीच अस डायरेक्टली बाय अ डिफरेंट प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड रेडिएशन। अब जो हीट वहाँ से उससे हमारे तक पहुँचती है वो किस फॉर्म में पहुँचती है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन से, ठीक है। तो आ शीट ऑफ पेपर और कार्डबोर्ड केप्ट इन द पाथ ऑफ रेडिएशन स्टॉप दीज वेव्स टू रीच अस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे एक हीटर टाइप पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर ये कह लें कि आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आप इसके दरमियान में कोई शीट या कोई कागज़ इसमें या कोई कार्डबोर्ड रख देंगे तो ये हीट आप तक नहीं पहुँचेगी। क्यों नहीं पहुँचेगी, क्योंकि हीट जो है वो आप तक तो इन द फॉर्म ऑफ वेव पहुँच रही थी, लेकिन आपने दरमियान में क्या रख दिया है, आपने कार्डबोर्ड रख दिया है, तो अब वो हीट आप तक वो वेव्स उसमें से पास नहीं करेंगी, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमने देख लिया कि हीटर से जो है वो किस तरह से हीट हमारे तक पहुंचती है, वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स या रेडिएशन से हमारे तक पहुंचती है, कंडक्शन या कन्वेक्शन का प्रोसेस वहाँ पे यूज़ नहीं होता। रेडिएशंस आर इमिटेड बाय आवर बॉडीज, द रेट एट विच रेडिएशंस आर इमिटेड डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। अब रेडिएशंस जो हैं वो तकरीबन हर बॉडी क्या करती है, वो रेडिएशंस को इमिट करती है। तो रेडिएशंस वो इमिशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, कुछ फैक्टर्स हैं, ये शॉर्ट में आ जाते हैं, कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस, सरफेस टेम्परेचर, सरफेस एरिया। अब क्या मतलब है, आपने अक्सर सुना होगा कि कहते हैं कि गर्मियों में हमें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, या फिर ये कहते हैं कि गर्मियों में हमें ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो डार्क कलर्स होते हैं वो हीट को ज़्यादा ही इमिट करते हैं और ज़्यादा हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, उनका टेम्परेचर बहुत जल्दी हाई हो जाता है, इसलिए वो उसमें हमें ज़्यादा गर्मी लगेगी। इसी तरह से अगर हम सर्दियों में ये कहते हैं, मोस्टली कहते हैं कि सर्दियों में डार्क कलर पहनने चाहिए, ब्लैक कलर पहनना चाहिए, तो उसमें ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर जल्दी हाई हो जाता है और वो हमें हीट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसीलिए सारे कलर जो होते हैं उनमें अब्जॉर्प्शन यानी कि हीट को अब्जॉर्ब करना और हीट को इमिट करना, रेडिएशंस को इमिट करना, वो सब क्या है उनका डिफरेंट होगा, ठीक है, वो उनका टेम्परेचर भी डिफरेंट होगा और उसके बाद जो है वो कोई कलर जो है वो ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा हीट को इमिट करता है, कोई जो है वो कम हीट को अब्जॉर्ब करेगा और कम को इमिट करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ये एक हमारे पास सरफेस एरिया आ जाता है कि अगर एरिया किस चीज़ का ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा, जाहिर सी बात है वो हीट को अब्जॉर्ब करेगी, अगर उसका एरिया कम होगा तो वो कम हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज़ अ कप ऑफ हीट हॉट टी बिकम्स कोल्ड आफ्टर सम टाइम। आप देखते हैं कि अगर चाय का कप हमारे पास रूम में पड़ा हुआ है तो वो कुछ टाइम बाद ठंडा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो रेडिएशंस को इमिट कर रही होती हैं और अब्जॉर्ब भी कर रही होती हैं। तो चाय के कप में क्या होता है, उसमें हीट होती है, वो हीट जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है
ठीक है, और कब तक वो ट्रांसफ़र होती रहेगी? जब तक सारे उस रूम का टेम्परेचर और उस चाय के कप का टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं हो जाता, ठीक है। इस तरह से जब दोनों सेम हो जाएंगे तो हीट का ट्रांसफ़र होना रुक जाएगा, और इस तरह से कुछ टाइम बाद जो है वो चाय का कप क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है, वाई डज अ ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम, और आप इसी तरह से देखते हैं, ये तो मैंने आपको कप की एग्जांपल दी है, इस तरह से आप देखते हैं कि ग्लास जो है वो कुछ टाइम बाद ठंडा हो जाता है। ग्लास जैसे कि चिल वाटर है वो कुछ टाइम बाद हॉट हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम गर्मियों में मोस्टली बात करते हैं तो गर्मियों में पानी बहुत जल्दी गर्म होता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ हीट का प्रोसेस क्या हो रहा होता है, ज़्यादा फास्ट हो रहा होता है। अगर चिल वाटर की बात करते हैं तो उसका तो टेम्परेचर बहुत कम होता है, जबकि हमारे पास जो गर्मियों में रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसका टेम्परेचर तो ज़्यादा होता है ना, तो वो क्या होगा, वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी हाई से लो की तरफ, और तब तक ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक जो वाटर है वो क्या हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे नहीं पहुँच जाता। ऐसा भी नहीं होता कि वाटर जो है वो उबलना शुरू हो जाता है, उसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री तक पहुँच जाता है, और ना ही चाय का कप ऐसा है कि वो जो है वो बर्फ़ बन जाता है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उसके ही इक्वल होगा जितना उसका रूम का टेम्परेचर होगा, उतना ही ज़्यादा ठंडा होगा और उतना ही ज़्यादा गर्म होगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल आंसर्स हैं, एक ये चाय के कप की वाले की है और दूसरी जो है वो ग्लास वाले की है। ये दोनों आपने करनी है और ये पेपर में भी आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। अब हम एक इस एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक हमारे पास लेज़ली क्यूब है, इसकी चार सरफेसेस हैं, चारों के कलर डिफरेंट हैं, एक का डल ब्लैक सरफेस है, एक का शाइनिंग सरफेस है, एक जो है वो वाइट सरफेस है, और दूसरी जो है चौथी जो है वो कलर सरफेस है, ठीक है। हमने एक लेज़ली क्यूब ली है और क्यूब लिया है और इसमें चारों जो सर्फेसेज हैं वो डिफरेंट हैं, चारों के कलर डिफरेंट हैं, क्योंकि अभी तो हमने बात की है कि हर कलर जो है वो अपने अंदर डिफरेंट हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा और डिफरेंट को इमिट करेगा, यानी कि सबकी एमिशन जो अब्जॉर्प्शन जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि कौन सा कलर अपने अंदर ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करता है और कौन सा कलर जो है वो ज़्यादा हीट को इमिट करता है। और साथ ही हमने एक डिटेक्टर लगा दिया है। इस डिटेक्टर का क्या काम होगा? इस डिटेक्टर का काम ये होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी सरफेस जो है ज़्यादा उसने हीट को अब्जॉर्ब किया है, ठीक है। साथ ही हमने इसके एक गिल्वानोमीटर लगा दिया है। अच्छा, तो लेज़ली क्यूब इज़ अ मेटल बॉक्स हैविंग फेसेस ऑफ डिफरेंट नेचर एज शोन, जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, द फोर फेसेस ऑफ लेज़ली क्यूब मे बी फॉलोअर्स। अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है, होता है कि इसलिए लेज़ली क्यूब के फोर उसके नाम लिखे हैं फेसेस के, तो कौन कौन से कलर्स हैं? शाइनिंग सिल्वर सर्फेस है, डल ब्लैक सर्फेस है, वाइट सर्फेस है, एंड कलर सर्फेस है, ठीक है। तो अब होता क्या है, अब हॉट वाटर इज़ फिल्ड इन द लेज़ली क्यूब। अब हमने लेज़ली क्यूब में हमने क्या कर दिया, हॉट वाटर को फिल कर दिया है, एंड इज़ प्लेस्ड विद वन ऑफ इट्स फेस टूवर्ड अ रेडिएटर रेडिएशन डिटेक्टर। अब हम वन बाय वन जो है वो हर फेस को किसके सामने करते जाएंगे, रेडिएशन डिटेक्टर के सामने करते जाएंगे। तो फिर हम क्या फाउंड करेंगे, उसमें से जो डल ब्लैक सर्फेस है वो गुड इमीटर है ऑफ हीट, वो गुड इमीटर भी होगा और गुड ऑब्जॉर्वर भी होगा, ठीक है। ज़्यादा हीट को ऑब्जॉर्व करेगा और ज़्यादा ही हीट को वो क्या करेगा, इमिट करेगा। कौन सा कलर? डल ब्लैक सर्फेस। इसी तरह से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक और एक्सपेरिमेंट, अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो सर्फेसिज़ हैं, एक आपको वाइट नज़र आ रही है और दूसरी जो है वो डल ब्लैक है, ठीक है। साथ ही हमने इनके थर्मोमीटर लगा दिए है, इन दोनों के दरमियान में हमने एक कैंडल रख दी है। अब ये कैंडल जो है ये इन दोनों को हीट करेगी, ठीक है। अब दोनों को आप देख रहे हैं कि कैंडल तो दरमियान में पड़ी हुई है, दोनों के पास जो इक्वल हीट जाएगी, लेकिन हमारे पास जो डल ब्लैक सरफेस होगा इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू वाइट सरफेस, क्योंकि ये ज़्यादा हीट को अपने अंदर क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, डल ब्लैक सरफेस, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ब्लैक सरफेस है वो ज़्यादा हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करती है और ज़्यादा ही हीट को वो क्या करेगी, इमिट करेगी। तो द रेट एट विच वेरियस सर्फेसिज अब्जॉर्ब हीट आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ दो सर्फेसिज। इसमें तो हमने इमिशन की बात की थी, यहाँ पर हम बात करें अब्जॉर्प्शन की। तो अब्जॉर्प्शन एमिशन जो है वो भी डिफरेंट नेचर पे डिपेंड करती है, डिफरेंट कलर्स पे डिपेंड करती है। इस तरह से अब्जॉर्प्शन जो होगी वो भी ऐसे ही होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेक टू सर्फेसेज, वन इज़ डल ब्लैक एंड द अदर इज़ अ सिल्वर पॉलिश सर्फेस, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। विद अ कैंडल एट द मिडल ऑफ द सर्फेस इट इज़ फाउंड दैट अ डल ब्लैक सर्फेस इज़ अ गुड ऑब्जॉर्वर ऑफ हीट एज इट्स टेम्परेचर राइजेज रैपिडली। क्यों? क्योंकि उसका हमने थर्मोमीटर लगाया था, थर्मोमीटर का काम ही ये था कि वो हमें टेम्परेचर की वैल्यू देता। तो इसका मतलब ये हुआ कि डल ब्लैक सरफेस है इसका टेम्परेचर क्या हो गया, ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है अ पॉलिश सरफेस इज़ अ पुअर ऑब्जॉर्वर ऑफ हीट एज़ इट्स टेम्परेचर इज राइज इज़ वेरी स्लोली, जबकि जो वाइट सरफेस है इसका जो है ये पुअर ऑब्जॉर्वर ऑफ हीट है, इसमें हीट जो है वो कम ऑब्जॉर्व होगी।
ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि गर्मियों में हमें कौन से कलर पहनने चाहिए, लाइट कलर पहनने चाहिए ताकि वो हमें ज़्यादा हमारी बॉडी को ज़्यादा टेम्परेचर ना दे सकें। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है, ये आपने सारा याद करना है। इसमें चार कलर्स हैं, चारों कलर्स का बताया हुआ है कि कौन सा जो है वो इमिटर बेस्ट है, अब्जॉर्बर बेस्ट है और रिफ्लेक्टर बेस्ट है। रिफ्लेक्टर का मतलब होता है टकरा के वापस चले जाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपने टेबल बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ये MCQs में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद इट इज़ फाउंड आल्सो फाउंड दैट द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी इमिटिंग और अब्जॉर्बिंग हीट। यहाँ पे एक और बात भी की है, इसको भी अंडरलाइन करना है आपने, कि जो रेडिएशन है, अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट है या इमिशन ऑफ हीट है, वो एरिया के ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर एरिया बॉडी का ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा और ज़्यादा को ही इमिट करेगा, और अगर एरिया कम होगा तो वो कम हीट को अब्जॉर्ब करेगा और कम को ही इमिट करेगा। ठीक है, तो लार्जर इज़ द एरिया, ग्रेटर विल बी द ट्रांसफर ऑफ हीट। अब जितना एरिया लार्जर होगा और ट्रांसफर ऑफ हीट भी क्या होगी, लार्जर होगी। ये आपने चैप्टर पिछले उसमें भी पढ़ा था थर्मल कंडक्टिविटी वाले में, कि एरिया के ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो एरिया के डायरेक्ट वो होती है, डायरेक्ट रिलेशन है उसका। इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न दैट लार्ज नंबर ऑफ स्लॉट्स आर मेड इन रेडिएटर्स टू इंक्रीज देयर सर्फेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने करना है। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और आज हमने इसके तीन वेज जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, और उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी, और आप इसको ज़रा अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। ठीक है, और बहुत ईजी सा चैप्टर है ये, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।